आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। हम जने का गाउन लेने आया, तैयार है? तैयार हो रहा है, लेकिन आप है कौन भैया? हम कोई भी हो, तुम्हें क्या मतलब? तुम जने का वेडिंग गाउन लाओ। डॉन का बेटा और तुम लोगों की मौत, याद है मिस्टर विकी, तुम्हारे कारण मेरे लंदन के कैसीनो का लाइसेंस कैंसिल हुआ था। आज मौका मिला है तुमसे बदला लेने का, चलो। दोस्तों, हेजिटेशन को हाई फ्लोन उर्दू में कहते हैं तजब्जुब और आसान उर्दू में कहते हैं कश्मकश। और आज वाकई मैं कश्मकश में पड़ गई हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज जिस एक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे मैं क्या कहूँ, खुशनसीब या बदनसीब, खुशकिस्मत या बदकिस्मत, क्योंकि वो ज़िंदगी भर नाम को और शोहरत को तरसते रहे लेकिन ज़िंदगी ने उन्हें कुछ नहीं दिया। और वो थे बहुत ही हैंडसम, खूबसूरत नौजवान यूसुफ खान। अगर किसी ने यहां से भागने की कोशिश की तो मैं उसे शूट कर दूंगा। सॉरी सर, ऑर्डर के मुताबिक हमें इंस्पेक्टर अमित को ले जाना ही होगा। मैं आपका आईडेंटिटी कार्ड देखना चाहता हूं। Sure. ये तो नकली है। यू आर राइट, हम भी नकली है। तुम फिक्र मत करो सेठ, इतने पैसे में तो हम उस छोकरे को और उसके परिवार को छुट्टी कर देगा। नहीं नहीं नहीं, तुम सिर्फ इतना करो कि वो आज इस शो में ना आए। अपन को वादा नहीं सेठ, पर आपका काम हो जाएगा। यूसुफ खान मिस्र में पैदा हुए थे, यानी इजिप्ट में, जहाँ के अहराम मिस्र बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में पिरामिड्स। यूसुफ खान का असली और पूरा नाम था यूसुफ अबू शेर। फिल्मों में काम करने का शौक उन्हें बचपन से था, इसलिए वो मिस्र से मुंबई आ गए और स्टूडियो में जाके काम की तलाश करने लगे। यूसुफ खान बहुत ही वेल बिल्ट थे, बहुत ही हैंडसम थे और कॉम्प्लेक्शन तो गज़ब का था। ऐसे गोरे चिट्टे थे कि जहाँ से गुजरते थे सब उनको देखने लगते थे, लेकिन काम किसी ने नहीं दिया। यूसुफ खान ने अपनी कामयाबी के लिए ऊपर वाले से बहुत दुआएं मांगी और वो कबूल भी हो गईं। 1969 में उन्हें एक फ़िल्म मिली बहसियत हीरो, और उस फिल्म का नाम था जंगल की हसीना। लेकिन जंगल की हसीना कब आई, कहां से आई और कहां चली गई, किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए यूसुफ खान ने अपना नाम बदल लिया और फिल्मी नाम रखा यशराज। ये नाम उनके लिए बहुत मुबारक साबित हुआ और यशराज बनने के बाद उन्होंने कई रीजनल फिल्मों में भी काम किया। यशराज बनने के बाद 1972 में उनकी एक और फिल्म आई, उस फिल्म का नाम था बॉम्बे टू गोवा और हीरो थे अमिताभ बच्चन। अरे ये ऊपर का सीना क्या दिखाता है? ये हिला नीचे का पेट। फ्रॉम द पारसी कॉर्नर विद द बॉक्सर, ऑन माय लेफ्ट फ्रॉम मद्रासी कॉर्नर मिस्टर कंडक्टर। इस फिल्म के बाद भी उन्होंने कई छोटे मोटे रोल किए बहसियत विलन। अब मेरे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए साफ हो गया। सुन, ये कुछ पैसे रख ले। नहीं नहीं नहीं, ऐसे छोटे मोटे काम के लिए मैं पैसे नहीं लेता। कभी कोई बड़ा काम हो ना, तब मुझे याद करना। यूसुफ खान शेर के अंतड़ियां भी निकाल लाएगा तेरे लिए। 1977 में यूसुफ खान की किस्मत का सितारा चमका, ऐसा चमका कि पूछो मत। बहुत खुश हो गए और इसकी वजह ये थी कि मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर मनमोहन देसाई ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया था और उस फिल्म का नाम था अमर अकबर एंथनी। और इस फिल्म में वो परवीन बाबी के
बॉडीगार्ड बने थे। मुंह संभाल कर बात करो जिबिस्को, तुम सिर्फ मेरे बॉडीगार्ड हो। यही तो मैं भी कहता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। सारी जिंदगी तुम्हारी बॉडी को गार्ड करता रहूंगा ताकि तुम्हारी जिस्म को मेरे सिवाय कोई छू ना सके। इस फिल्म में यूसुफ खान का नाम था जिबिस्को, और ये जिबिस्को जो है इतना मशहूर हुआ कि ज़ाती ज़िंदगी में भी लोग उनको जिबिस्को कहने लगे। यूसुफ खान को पूरी उम्मीद थी कि इस फिल्म के बाद उन्हें बड़ी बड़ी फिल्मों में मेन विलन के रोल मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो आखिरी दम तक विलन के सबऑर्डिनेट बने रहे। बोलो, देखो, तुम लोग अपने आदमियों को जमा करके सुबह सुबह 6:30 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाओ। इस कबीर को अगर मैंने फकीर नहीं बनाया तो मेरा भी नाम रॉक्सी नहीं। यूसुफ खान को इस बात की बड़ी तकलीफ थी कि ज़्यादातर फिल्मों में वो मेन विलन नहीं बन पाए, लेकिन इस बात की थोड़ी सी खुशी भी थी कि कुछ फिल्मों में उन्होंने अलग अलग नई नौयत के रोल भी किए, जैसे कॉमेडी और इमोशनल। आज आपको क्या हो गया गुरुजी? आप उस कुत्ते से हार गए? हारने के सिवाय और कोई चारा नहीं था कुमार। क्यों? मैंने अपनी इज्जत बेचकर अपनी बेटी की जान खरीदी है। क्या कह रहे हैं आप? अगर मैं ना हारता तो मेरी पम्मी को मार डालते कुमार। 1985 में यूसुफ खान अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे हैदराबाद में। अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और वो गिर पड़े और उनकी डेथ हो गई। बाद में पता चला कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि यूसुफ खान के दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम है फादिया, वो अदाकारा भी है, एक्ट्रेस भी है और मॉडल भी। बेटे का नाम था फराज खान और वो भी अपने पिता की तरह बहुत हैंडसम और खूबसूरत नौजवान था और कई फिल्मों में बहसियत हीरो काम भी किया था, जैसे फरेब और मेहंदी। मेहंदी में उनके साथ हीरोइन थी रानी मुखर्जी। मुझे क्या मालूम था कि वो अंदर से इतने खोखले हैं, वरना एक इंजीनियर को 10-15 लाख देने वाले बहुत मिल जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो पहले दहेज की बात बिल्कुल नहीं की थी। सोचा था दीवान साहब है, बिन मांगे ही बहुत कुछ मिल जाएगा। वो अपना मकान गिरवी क्यों नहीं रखते थे? फराज को अपने पिता की तरफ से दो चीजें मिली, एक तो बेहद खूबसूरती और दूसरे छोटी सी उम्र में डेथ। वो 4 नवंबर 2020 में ये दुनिया छोड़ के चले गए, सिर्फ 50 साल की उम्र में। दोस्तों, एक शेर याद आ गया, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब तक साथ निभाएगी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब तक साथ निभाएगी, मौत पर यकीन है एक दिन आएगी, ज़रूर आएगी। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।